मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव कंडा बुरहानपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के साथ बुरहानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ईद के मौके पर मुस्लिम भाइयों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने भाजपा को लेकर कहा कि भाजपा बड़े बड़े वादे तो करती है पर उन वादों को पूरा नहीं करती है, न तो किसानों की आय बढ़ी और न ही उनका कर्ज माफ हुआ। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष बुरहानपुर ने कांग्रेस नेता के आरोपों को लेकर कहा कि भाजपा ने जो भी वादे किए वो सब पूरे किए हैं। भाजपा की सरकार ने ही गरीबों को 5,000 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया है। भाजपा के शासनकाल में विकास ही विकास हुआ है। देखिए, जनता सवाल पूछ रही है कि रोज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नई नई गारंटियां देने की बात कर रही है, दावे कर रही है। मैं पूछना चाहूंगा कि 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज जनता सवाल पूछ रही है। आपने कहा था किसानों की आय जो है 2022 तक दुगनी होने का काम होगा। आपने कहा था कि किसानों का जो समर्थन मूल्य है उसमें 50% लाभांश देकर के किसानों की समर्थन मूल्य तय करने का काम किया जाएगा। आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को प्रतिवर्ष देने का काम किया जाएगा। आपने कहा था कि 15 लाख रुपए किसानों और देश की जनता के खाते में डालने का काम किया जाएगा। ऐसे तमाम दावे जो हैं, आपने कहा था 50,000 की कर्ज माफी की जाएगी। आपने कहा था सूर से लेकर ट्रैक्टर तक का कर्ज माफ किया जाएगा। ये सारे दावे, ये सारे गारंटियां कहाँ है आज ये प्रदेश की देश की जनता जो है जानना चाहती है। देखिए, ये तो मैं यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये 10 चौधरी और 17 पटेलों के गठबंधन से बनी हुई ये जो इंडी इनका गठबंधन है, ये हमारे सोचने समझने में नहीं, इनके समझने में जरूर फर्क है, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इनके अपने जो नेता हैं कांग्रेस के, वो खुद मंदबुद्धि है, जिनको पप्पू के नाम से संबोधित किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी, आप 1200 रुपये सिलेंडर की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखता, वो इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें ये नहीं दिखता कि कम से कम 5 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल की सरकार लाभ दे रही है। और करीब 4.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास जो है वो लोगों को इसका लाभ मिल रहा है माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में।